दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया के सामने आए, जेब से पर्चा निकाला, चश्मा चढ़ाया और बोले, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और सभी जजों का शुक्रिया। दिल्ली के लोगों के साथ आज सुप्रीम कोर्ट में न्याय किया। करीब 15 मिनट मीडिया के सामने बोलते रहे। प्रधानमंत्री को राज्यों का पिता बताया, कहा कि LG से निवेदन करेंगे कि काम में टांग ना अड़ाएं। ऐलान किया कि नाकाबिल और भ्रष्टाचारी अफसरों को हटाएंगे, ईमानदारों को ऊंचे पदों पर बैठाएंगे, जनता का काम रोकने वालों को कर्म का फल भुगतना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला दिया कि दिल्ली में सरकारी अफसरों पर चुनी हुई सरकार का ही कंट्रोल रहेगा। 5 जजों के संविधान पीठ ने एक राय से कहा, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन को छोड़कर उपराज्यपाल बाकी सभी मामलों में दिल्ली सरकार की सलाह और सहयोग से ही काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद दिल्ली सरकार ने सेवा विभाग के सचिव आशीष मौर्य को उनके पद से हटा दिया। इसी के साथ बने रहे राजनामा TV के साथ। धन्यवाद।